हेलो फ्रेंड्स, मोनिका ऑल क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ्स आरएस अग्रवाल से। एक्सरसाइज है 8A, क्वेश्चन है 18। 3x अपॉन में 5x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है 4 माइनस 4 अपॉन में 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x इंटू 1 इज इक्वल टू 3x। माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 2 से, बिकॉज इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वेन 3x इंटू 1 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 5x माइनस 20x। 4 इंटू 2 8 प्लस माइनस 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 8। हम इस वेरिएबल को इस साइड लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बिकॉज साइन चेंजेस हो जाते हैं इक्वेशन के उस साइड जाकर। तो 3x माइनस का प्लस 20x इज इक्वल टू माइनस 8। 3x प्लस 20x इज इक्वल टू 23x इज इक्वल टू माइनस 8। दोस्तों, यहाँ पर 23x के साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 23। देन आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 20। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज 6y माइनस 5 अपॉन में 2y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। नाउ हियर वी विल अगेन डू क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 मल्टीप्लाई 6y माइनस 5। इस इक्वेशन से हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 7। 7 मल्टीप्लाई 2y। समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ पे अपने 7 को 2y से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 14y, 7 इंटू 2 14y आ गया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 54y माइनस प्लस माइनस माइनस 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 14y। 5y माइनस, अब हम y वाली टर्म को हम इस साइड ले आएंगे तो प्लस से यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा माइनस 14y। और माइनस इस टर्म के साथ उसको उस साइड ले, इक्वेशन के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 45। अब हम करेंगे 54y माइनस 40y कितने होते हैं 40y इज इक्वल टू 45। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 45 बाय 40। अब ये 5 की टेबल से कट जाएंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40। तो ना आंसर है, आंसर क्या हुआ हमारा, y इज इक्वल टू 9 बाई 8। ओके दोस्तों, अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। 2 माइनस 9 जेड अपॉन मिट 17 माइनस 4 जेड इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। अब अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस साइड, इसको इस साइड। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 9 जेड इज इक्वल टू 4 17 माइनस 4 जेड। 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 5 9 ज़ा 45 जेड इज इक्वल टू 17 4 ज़ा 68 माइनस 16 जेड। अब सेम वेरिएबल्स, जेड के सेम वेरिएबल्स हम एक साइड लेके आएंगे और इस वाली टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे। अब 6 माइनस 45 जेड प्लस 16 जेड माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा और 68 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का 10 है तो इक्वेशन के उस साइड जाकर इज इक्वल टू कि ये माइनस 10 हो जाएगा। तो इसमें से जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है हमेशा वही साइन साथ में आता है, बड़े नंबर के साथ है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस आएगा और प्लस माइनस ऑलवेज बी माइनस। तो वी विल टेक हियर सब्ट्रैक्शन, 45 माइनस 16 इज इक्वल टू 29। वेरिएबल है जेड। 68 माइनस 10 इज इक्वल टू 58। देन हेयर 20 माइनस 29 इज मल्टीप्लाइड विद जेड, देन वी विल डू डिवाइड ऑन द अदर साइड। जेड इज इक्वल टू माइनस, दिस साइन विल गो देयर, माइनस 58 अपॉन में 29। 29 2 ज़ा 58, वी विल डायरेक्ट कट द नंबर। जेड इज इक्वल टू माइनस 2, देन आंसर विल बी जेड इज इक्वल टू माइनस 2। गॉट इट दोस्तों। Now we will do next question 21. 4x plus 7 upon me 9 minus 3x is equal to 1 by 4.
Now we will again do cross multiply this question. 4 multiplied 4x plus 7 is equal to 1 minus 9 minus 3x. 4 4s are 16x plus 7 4s are 28 is equal to 1 9s are 9 minus 3x. 16x, this variable here, come here, the sign will change. Minus will be positive. Then minus plus 3x is equal to 9 plus minus here, minus 28. 16 plus 3, 19x. 9 minus 28 will be 19 and sign will be negative because large number has negative sign. Then we will here do x is equal to minus 19 upon 19 because here it will be it is multiply and here it will do divide. 19 upon 19 is equal to 1. Answer will be x is equal to minus 1. Okay, dosto. Now, friends, we will do 22 question of exercise 8a. 7y plus 4 upon me y plus 2 is equal to minus 4 upon me 3. Again, we will do cross multiply here. This one. 3 multiplied by 7 by plus 4 is equal to minus 4 into y plus 2. We will do multiplied. 7 3s are 21y plus 12 is equal to minus 4y plus minus minus 8. 21y plus, because here we hum yahan pe is side leke jayenge jab variable ko y wale variable ko to minus sign change hokar plus sign ho jata hai jo ki main aapko pehle bata chuki hun. Plus 4y is equal to minus 8. Here is plus, then sign will be changed on other side, minus 12. Then 21 plus 4 is equal to 25y is equal to minus minus always be plus. We will do plus here and sign will be negative because large number has negative sign. 8 12, 8 and plus 12, 20. Y is equal to 25 will be divide here, minus 20 upon 25. Then we will cut here, 5 5s are 25, 5 4s are 20. Y is equal to minus 4 upon 5. Answer will be minus 4 upon 5. Thank you friends. Hum next questions agli video mein karenge. So thank you friends. Is channel ko subscribe kijiye aur video ko like kijiye. Thank you.